मैं सुरेश प्रस्तुत कर रहा हूँ हिंदुस्तान समाचार पत्र का टॉप हेडलाइन। चलते हैं और देखते हैं आज का हेडलाइन क्या है। भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर, जस्टिस जोसेफ का नाम फिर भेजा जाए। कश्मीरी बनो फिर मदद मांगो सुषमा। आधार पर 28-38 सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित। आम्रपाली लेन देन का ब्यौरा दे कोर्ट। जेपी की फ्लैट खरीदारों की शेयर की पेशकश। आधार पर 4 माह में 115 घंटे मैराथन बहस। लालू पैरोल पर बेटी की शादी में पहुंची। 14 को लौटेंगे। सबसे बड़ा तिरंगा लहराया। अध्यादेश पर अंतर मंत्रालय परामर्श शुरू। जसपुर में बेटी से दुराचार के प्रयास पर पिता की हत्या। बागवत में छेड़छाड़ से तंग तंग सगी बहनों ने छोड़ा स्कूल। आदेश पेड़ी फेरल एक्सप्रेसवे हर हाल में 31 मई तक खुले। पीएम मोदी आज नेपाल के दौरे पर। दिव्यांगों के लिए रेल सहायक तैनात होंगे। घोटाले में केजरीवाल का रिश्तेदार गिरफ्तार। जन कपूरी कालकाजी मेट्रो जल्द शुरू होंगी। महातिर दुनिया के सबसे उम्रदराज पीएम। ईरान के साथ खड़े होने का समय। दिल्ली एनसीआर की हवा पहले सुधारे केंद्र सरकार। डीयू में दाखिला प्रक्रिया 15 मई से शुरू होगी। स्टार्टअप में इनोवेशन की कमी चिंताजनक। देश भर में 2022 तक 30,000 लैब बनाए जाएगी। 650 मॉडल में 100 को चुना गया। अटल टिंगरिंग मैराथन का समापन। हत्या के 3 आरोपियों को अंतरिम राहत नहीं। माता पिता की बजाय कोर्ट ने बच्चों को नाम दिया। ट्रेन में रेप से बचाने वाले का सम्मान होगा। प्रेम विवाह करने पर बहन को मार डाला। धोखाधड़ी की शिकायत ईओडब्ल्यू में होगी। डिजिटल मीडिया में संतुलन के लिए नियमों की जरूरत। अमेरिका में इलाज से परिवार स्वस्थ हो रहे प्रभु। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे को भी यह जानकारी मिल सके। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा आने वाले वीडियो आपको मिल सके। जय हिंद।